अहमद शहजाद, आपसे कल बात हुई थी जब 160 रन का हदफ मिला और उस वक्त आपने कहा कि हमारी बॉलिंग जैसी भी है हमें घबराना चाहिए क्योंकि इस वक्त टोटल बहुत कम बनाया हमने और वो यही साबित हुआ। अब मसला ये है कि पूरे मैच में बॉलिंग में भी जब हम कर रहे थे अमेरिका ने डोमिनेट किया। इनफैक्ट वो तो 17-18 ओवर में भी मैच खत्म कर सकते थे मगर 19वें ओवर में आमिर ने हमें कम बैक कराया, बड़ा अच्छा ओवर किया, फिर नहीं बचा पाए हारिस और फिर जो सुपर ओवर था वो आमिर ने बहुत गलत कराया। क्या कहाँ कहाँ हमने गलती की कि सारे डिपार्टमेंट में हम कल आउट क्लास हुए? देखिए, जहां तक सिर्फ कल की बात है, आपने 4 साल से जो बॉलर्स को लेके गए हुए हैं, जो शाहीन है, नसीम है, हारिस है, आप उनको क्यों नहीं जो सुपर ओवर करा रहे? आमिर एक लीग क्रिकेट खेल के अभी आए हैं, आप उनको सुपर ओवर दे रहे हैं? सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरा, आपको गैरी कस्टन पीछे से कह रहा है जब हारिस लोग ओवर कर रहे हैं कि मिड ऑफ वाला फील्डर पीछे लाओ, नहीं आपने किया, जिद में अड़े रहे, आपने वहीं पे चौका खा के मैच टाई करवाया। उसके बाद आपने फखर जमान को नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़ा रखा है, खब्बा बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसके सामने। शाहजेब भाई, ये बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है पीछे से। देखिए, हमारे अभी 7 साल शाहजेब भाई यू गॉट टू अंडरस्टैंड के क्रिकेट के ऑलमोस्ट पड़े हैं, मुझे पता है ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये में इसके रेपरकशंस होंगे, यू नो, शायद इसके बाद मैं कभी टीम में भी ना आ पाऊं, लेकिन बस हो गई थी, आप मुझसे और देखा नहीं जा रहा था, मेरिट की धज्जियां उड़ते हुए मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, इसलिए अवाम को हकाइक बताए हमने पुराने सारे शो में कि ये हो क्या रहा है। आप एक टोले को सपोर्ट करने के लिए आपने सारी जो अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट है वो तबाह बर्बाद कर दी है। 4 से 5 इवेंट आपने इनको दे दिए हैं, बाबर आजम की कप्तानी में आपने कौन सा जो है ना इवेंट जीता है? सर, तो आपने क्या अचीव कर लिया ये करके? बाबर आजम कल इस तरह लग रहा था कि पता नहीं पीक के जो है ना कोई बॉलर लगे हुए हैं, शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है या जेसन गिलिस्टी जो है ना टफ पिच पे बॉलिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा था अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहे हैं जितना वो शेकी नजर आए हैं। 8 से 10 बॉल उनके पैडों पे लगे हैं, 19 डॉट बॉल खेले हैं और 14 डॉट बॉल से 14 बॉलों पर 4 स्कोर पे वो खेल रहे थे। तो जब आप यूएसए के अगेंस्ट इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका कैलिबर यहीं पे आ गया है। मैं अभी पहले भी यही शाहजेब भाई बात कर रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो रहे हैं, आप बुरी क्रिकेट खेलते हुए अफगानिस्तान से 4 मैच नेक्स्ट टू खेले, आखिरकार आप अफगानिस्तान से हार गए, उसके बाद आप जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप नेदरलैंड से हारे, फिर आप आयरलैंड से हारे, अभी आपको 10 प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे न्यूजीलैंड के, वो आपको पिटाई लगा के गए हैं, उसके बाद आप रही सही कसर आपने आप यूएसए से भी, आपका कैलिबर ही ये है, आप 7वें नंबर की टीम हो गए हैं, आपने अपनी टीम का हॉकी वाला हाल कर दिया, इसी चीज का डर था और यही चीज थी जो देखी नहीं जा रही और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो टीम मैनेजमेंट जो टॉप टीम मैनेजर बैठी हुई है वो लोगों को शो में फोन करके लोगों के शो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, अगर आप यही थोड़ा सा फोकस अपनी टीम के प्लेयर पे करेंगे तो शायद वो इससे थोड़ा सा बेहतर खेल प्रोड्यूस कर सके जो आप कर रहे हैं। आपने यूएसए में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन सबका, हम सबके साथ जो है ना शर्म से सर नीचे कर दिया है जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हाल ये आपकी डोमेस्टिक का, ना आपकी टीम में ओपनर्स के स्ट्राइक रेट्स आपके सामने है, मिडल ऑर्डर आपके सामने है, स्पिन बॉलिंग आपके सामने है, इवन आपकी फास्ट बॉलिंग जो वर्ल्ड थ्रेटनिंग फास्ट बॉलिंग थी कंसिस्टेंटली धुलाई हो रही है उनकी पिछले 2 साल से। तो अगर आपकी डोमेस्टिक में कोई प्लेयर होता तो क्या वो आना जाता? जिस बुनियाद की, जिस कल्चर की बुनियादें और नीच स्ट्रांग नहीं होती, इवेंचुअली उसने कलैप्स करना है। वैसे मैं वो काम आ गया है जी, मैं सुन लीजिए, आप पे वो टाइम आ गया कि अब आपका जो सिस्टम है वो कलैप्स कर गया है, आपकी डोमेस्टिक का कल्चर कलैप्स कर गया, आपके पास कुछ नहीं और है। इमरान, आप भी मुझे बताएगा कि एक होता है कि किसी टीम का तुक्का लग जाए कि उसका कोई बॉलर उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे या कोई बैट्समैन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दे, मगर कल ऐसा हुआ नहीं है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो। ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंटली खेल के, बड़ा गेम प्लान के साथ खेल के हमें हर शोबे में, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, हर उसमें आउट परफॉर्म किया है। तो ये कहा जा सकता है कि तुक्का था या वाकई हम बहुत ही बुरा खेले हैं या वो बहुत अच्छा खेले? शाहजा भाई, ये चीजें तो वहाँ चीजें डिस्कस की जाए ना जब आपकी टीम स्टैब्लिश हो, और पिछले जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 4 साल से आप एक टीम ही नहीं बना पा रहे और ना आपके पास कोई ऐसा ओपनर आया, ना आपके पास कोई मिडल ऑर्डर है, आप टॉप क्लास की बॉलिंग करते हैं, हर 2 मिनट के बाद वो अनफिट हो जाते हैं, आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है, फील्डर, कोचेस सबको मिला ले, आपने अमला जो रखा हुआ है उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें आप, फील्डिंग में नाकाम, बैटिंग में नाकाम, बॉलिंग, फिटनेस, आपके मसाइल डे बाय डे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अहमद की बात तो बिल्कुल ठीक है, अहमद कह रहे कि हॉकी वाला, मैं कहता हूँ हॉकी वाला हिसाब हो चुका है, अब आपके पास डोमेस्टिक आपके पास नहीं रही,
क्लब क्रिकेट आपके पास है, स्कूल कॉलेज ग्राउंड है, आपने खत्म कर दी, छह टीमें बना के सिस्टम का बेड़ा गर्क आपने कर लिया। एंड द डे रिजल्ट आप चेक कर ले, मुझे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की जो टीम है वो टेस्ट कैप लेके इनको आगे लगाया हुआ, ये सोचिए टीम है, इतनी पैथेटिक क्रिकेट, आपका कोई एटीट्यूड नहीं था। अमेरिका तो मुझे लगता है आप वहीं से जीत गया था मेरी नजर से, जैसा उन्होंने पहला स्लिप में कैच पकड़ा, फिर उनकी बॉलिंग को क्रेडिट दे, उनके एटीट्यूड को, उनका अग्रेसिवपन, जो उन्होंने आके बैटिंग की, आप टॉप 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 पे लगे रहे। और भाई बोलने से कुछ नहीं होता, हम क्रिकेटर हैं, हम कहते हैं ग्राउंड में रोम में जाके परफॉर्म कर, देन फिर बात कर, वो भी हिस्ट्री गॉन, नेक्स्ट मैच में आ। लेकिन हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिस तरह मैंने कहा है बांग्लादेश से हम हार गए, जिम्बाब्वे, अभी पता नहीं और किन किन से। यार जब तक आपका सिस्टम नहीं होगा, आप कोचेज को ऐसे नहीं लेके आएंगे, फिटनेस का आपका इशू ऐसे हर दो मिनट के बाद है, चार ओवर का बॉलर आपके पास, अब वो चार ओवर भी नहीं आपसे पूरे हो रहे, चार ओवर के बाद पांचवा ओवर करना पड़ गया, आपने तीन से चार वाइटे कर दी, ये तो आपका हाल है। और सिस्टम पे हम बात करें तो तब आपसे हमें प्रॉब्लम होती है कि यार आप कोचिस पे हम बात करते हैं, अमला आपका इतना लेके जाने का क्या फायदा, यार कोई डांटने वाला नहीं है, एक शॉट पे ड्यूज की है, मैं मानता हूँ, वाह वाह वाह, सिर्फ मिडिल विकेट पे खेलना है, एक्स्ट्रा ओवर में पानी लगा नो बॉल हो जाएगा, क्या यार ये कौन सी क्रिकेट है आप खेलते हैं, क्रिकेट सीखनी है। मैं कहता हूँ अब अमेरिका के क्रिकेट उनके बैटर को चेक करें, जो उन्होंने आपकी टॉप क्लास बॉलिंग आप बातें करते हैं, चार साल बाद आप तरले करके उसको लेके अमर को लेके आए, हर स्वरूप अनफिट है, जबरदस्ती फिट कर हो जा भाई, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, वो आया उसका चेक कर ले, बड़ा टॉप क्लास है। शाहीन अफरीदी को आज तक कभी लाइन और लेंथ का किसी ने नहीं बताया कि भाई हर बॉल यॉर्कर पे आप आउट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा खिंची लेंथ पे बॉल करे, जो उसकी टॉप क्लास बॉलिंग होती थी पहले, जिस तरह आते ही वो गुड लेंथ पे सीम करता था, अंदर लाता था, वो काफी अरसे नजर नहीं आ रही। फिर आपने उस्मान खान को ऐसे फोर्स किया जैसे वो बहुत बड़ा बैटर, नीचे आजम खान ले ले, इफ्तखार ले ले, रिजवान ले ले, सारे जितने भी हैं, ओ भाई कोई एक तो कॉन्फिडेंट हो, लाके जिस तरह T20 जब हम खेलते थे, जब वो हमने प्रोड्यूस की, हमने जो हमला छोड़ा था कि ये पाकिस्तान का हवा होता था कि जब दो बैटर अंदर आते थे पता चलता था कि बॉलर्स की टांगे कांपती थी कि यार अब इनको बॉल कहां करना है। अब तो बॉलर कहते हैं नो टेंशन, मीडियम पेसर बॉलर आता है आपको वो ऐसा फंसाता है, आप कहते हैं कि जी नंबर वन बैटर है, हम इतने हाईवे हैं, हम इतने, ओ भाई ये ग्राउंड में परफॉर्मेंस करें तब जाके आपको पता लगे। अब आपकी क्रिकेट का खुदा की कसम, मैं वो कहते हैं ना एज ए क्रिकेटर दुख नहीं बहुत बड़ा दुख है, मगर जाहिर है। और सिकु भाई इस सारे सिनेरियो में अब मसला ये है कि जिस तरह इमरान नजीर ने बड़ी अहम बात की कि जो पहला ओवर था जो कैच हुआ रिजवान का, उसके बाद से ही अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, कल बड़ा सरप्राइजिंग होता अगर पाकिस्तान जीत जाता, वैसे तो अपसेट है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाम बड़ा है, मगर पूरे 40 ओवर तक डोमिनेट करती नजर आई थी, 19वें ओवर तक कम से कम अपनी इनिंग में भी 39वें ओवर तक आप कह रहे हैं। एक सेकंड, ये अपसेट नहीं है, मैं इसको अपसेट नहीं कहूंगा, अपसेट वो होता है जिसको क्रिकेट कम खेलनी आती हो, जिसका तुक्का लग जाए और नीचे से आके दो तीन एक्स्ट्रा बॉल पे छक्के मार दे, और भाई उन्होंने तो क्रिकेट ही ऐसी खेली, आपको तो एक टाइम पे तो 18वें 19वें ओवर में 17वें ओवर में फिनिश कर रहे थे वो, अनफॉर्चुनेटली कि आपका एक ओवर अच्छा हो गया, मरते मरते आपको ओवर करवाने, फील्डिंग आपकी देख ले, कैचेस एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कोई ऑर्डर बदल के कुछ किसी को निकाल के किसी को डाल के आपको लगता है कोई चांस है हमारा? जाहिर है भारत की तगड़ी टीम है, कॉन्फिडेंस भी उन्हें आया है पहला मैच जीत के, मगर पाकिस्तान यहां से कमबैक कर सकता है? चाहते भाई सबसे पहले तो मैं आपको जब मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसलिए अपसेट नहीं है, वो इसलिए अपसेट तब होता है जब एक आधी दफा आपके साथ ये चीज होती है। आपको ये बात समझनी है कि आपकी टीम 7वें नंबर पे है, आपसे नीचे सिर्फ तीन ही टीमें हैं, ठीक है? तो ये किसी वजह से है क्योंकि आपका कैलिबर वहां चला गया, आप वहां स्टैंड कर रहे हैं नंबर एक। नंबर दो, आप नेदरलैंड से बार बार हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से हार रहे हैं, आपको डी टीम आके पिटाई लगा के जा रही है, आज आप यूएसए से हार गए, तो ये अपसेट नहीं है। वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के आपने अपने कद ऊपर करते हैं, आपका कैलिबर यही रह गया है, आप 7वें नंबर की टीम है। नंबर दो, देखिए बिल्कुल सबसे पहले तो शादाब जो है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बैटिंग करने आते हैं बॉलिंग करने आते हैं, भाई शादाब से हमें उनकी बॉलिंग चाहिए। आप इब्रार को लेके गए हैं, आप बजिद हैं, आप कहते हैं आपको शादाब पे उनसे ज्यादा भरोसा आपका, यही आप नवाज के बारे में भी कहते थे, यही आप अपने ग्रुप के दूसरे लड़कों के बारे में भी कहते थे, कहां गए वो, क्या जितवा के दे दिया? नहीं, आप जिद्दी हैं, आपकी मजबूरी है, आपकी सेटिंग्स ऐसी हैं कि आप उसको मजबूरी से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं।
आपकी वजह से आज पाकिस्तान इस तहत से पहुंच गया कि आप सही प्लेइंग 11 भी नहीं खिला रहे। पाकिस्तान के हालात यहाँ पे आ गए तो चलो ठीक है, आजम खान की कीपिंग तो समझ आती थी, आपने आज उनको फील्डिंग भी करा दी इस फिटनेस के साथ। तो जब पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान फील्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट दफन हो गई है, आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है। और इंडिया के खिलाफ आप ठीक है, हमारी सरों की दुआएं आपके साथ हैं, बड़ा मैच है, इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे। क्या हमारी जो करतूतें हैं वो है जीतने वाली? किस फेस के साथ आप जाएंगे? वो लोग आपको पता है जो उन्होंने टिकटें दी थी वो आधे पैसों में वापस करने लग गए इंडिया के मैच की। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि आप पाकिस्तान का कितना नुकसान करके चले गए? आपने सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स अचीव किए, आपने और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, आपने अपने पर्सनल गोल लगाए, उसको आप जो है ना यूं लपेटिए और अपने पॉकेट में डालिए। पाकिस्तान को आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, और पाकिस्तान जिस तहस पे आप पाकिस्तान को ले गए हैं, इसको ऊपर लाने के लिए अब मिरेकल्स चाहिए। आप बताइएगा इमरान, है कमबैक का चांस कि हम वापस आए सुपर एट में जबरदस्त बड़ी टीमों से मैच? शादी भाई, वेल डेफिनेटली क्रिकेट है, आप क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कंपेयर टू क्रिकेट आप किया जाए तो हमारी टीम ना तो उतनी फिट है और ना हमारी उतनी तगड़ी बैटिंग है, ना उतनी तगड़ी बॉलिंग है, ना उतनी तगड़ी फील्डिंग है। जब हम सारे शोबों में बहुत ज्यादा नीचे हैं तो यार अगली टीम पे हम ऑन पेपर बात करते हैं अक्सर क्रिकेटर कि जी ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम है, अनफॉर्चुनेटली कि एक बॉलर ने अच्छा बॉल कर दिया, पांच आउट कर दिए तो अच्छा वो कहते हैं ना अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी तगड़ी टीम जो ढाई महीने का इतनी बड़ी लीग खेल के आ रही है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो फ्रेश है। हम लोगों ने छोटी छोटी क्रिकेट खेली है और हमारे हर दो मिनट के बाद सबसे बड़ा हमारा ये अरसे से इशू उठता आ रहा है जी, अनफिट। कौन सी ट्रेनर रख ली है भाई, कौन सी ट्रेनिंग करवाते हैं इनको, कौन सा ना तो इनको बस 12 ओवर का स्पेल करना आ रहा है, 4 ओवर वाली क्रिकेट बची। आप पहले कहते थे कि 4 ओवर का बॉलर्स है, अब 4 ओवर भी आपसे पूरे अच्छी तरह नहीं हो रहे। आप बैटर पहले कहते थे जी 1.5 से 2 ओवर का, ये कभी सुना है जी 1.5-2 ओवर का वाला भी बैटर होता है? ओ भाई इससे अच्छा तो भाई आज भी हम फिट है, इनसे ज्यादा 1.5 ओवर 2 रखने तो फिर हमें भी खिला लें यार, हम भी इतने जो ये कर रहे हैं उससे तो कुछ मच बेटर तो हम भी कर लेंगे। लेकिन ये सारे एक्सक्यूजेस भाई क्रिकेट में हम एज ए क्रिकेटर मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मैंने जितना अरसा क्रिकेट खेली, जिस टाइप की क्रिकेट खेली यार, हमने ये क्रिकेट नहीं छोड़ी थी। जहां पे अब पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान एक वो ब्रांड था, वो प्लेयर्स होते थे, वो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, अगले बंदा ग्राउंड में हम लोग उतरते थे पता चलता था बॉलर की टांगें।